चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार गिराने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया केंद्रीय नेताओं के इशारे पर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मुझे व मेरे साथियों को, मेरे मंत्रिमंडल के साथी है, विधायक हैं, सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारा ध्यान पूरी तरह कोरोना की जंग में होना चाहिए और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। रोज हम रिव्यू मीटिंग करते हैं, वीसी करते हैं, पूरे राजस्थान के हर वर्ग से हमने वीसी करी है और ये लोग सरकार कैसे घिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख करे, ये तमाम काम में लगे हुए हैं। गुलाबचंद कटारिया की तरह के लोगों की कांग्रेस में जगह नहीं है। ये सतीश पूनिया जी हो, राजेंद्र राठौड़ जी हो, ये जिस प्रकार का खेल खेल रहे हैं राजस्थान के अंदर सरकार को गिराने के लिए अपने केंद्रीय नेताओं के इशारे पर, ये तमाम बातें जनता के सामने आ चुकी है, जनता समझ गई है। और किस प्रकार से ये कभी एडवांस में लो 10 करोड़ रुपए, सरकार गिर जाएगी तो फिर आपको देंगे 15 करोड़ रुपए, पता नहीं क्या क्या ये बातें फैला रहे हैं, वादे कर रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता।